गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर लूप एंड आई होप यू ऑल हैव एन आइडिया हाउ द लूप वर्क्स। द नेक्स्ट इज इन द सेम सीरीज, नेक्स्ट लूप इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द लूप काउंट इज नॉट नोन बिफोर हैंड, मीन्स when we don't know how many times the loop will run, in that situation we use while loop. The condition after while evaluates to either true or false, till then the loop works. See, this is the diagram of the while loop. Here I am initializing the variable. Suppose the value of a is 1, okay, and here I am giving while a इज लेस देन 10। इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू 1 थी और a की वैल्यू जब तक लेस देन 10 है तब तक ये लूप चलना चाहिए। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 10 देन दैट मीन्स द कंडीशन इज ट्रू एंड द लूप विल वर्क। एज सून एज दैट द वैल्यू ऑफ a इंक्रीजेस एंड बिकम्स ग्रेटर देन 10 देन व्हाट विल हैपन, द लूप विल बिकम फॉल्स and the loop will stop. It means the initialization is important. That means we have to initialize from where the loop, from where the variable will start. जैसे मैंने यहाँ पे consider किया a की value 1 है और मैंने यहाँ पे condition दिया है जब तक a की value less than 10 है, यानी कि जब तक a 10 से छोटा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेस देन 10 मीन्स इट विल गो अप टू 9। एज सून एज द वैल्यू ऑफ a बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 द कंडीशन विल बिकम फॉल्स एंड द लूप विल टर्मिनेट। नाउ लेट सी द एग्जाम्पल ऑफ व्हाइल लूप। आई एम सिंपली टेकिंग example to print the table of 2 with the help of while loop. So I am taking variable a equal to 2. A is a temporary variable and you know what is a variable, you might have studied in the class maths. I am writing while a is less than equal to 10, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब तक a जो है 10 से less than है या उसके बराबर नहीं हो जाता है, तो that means जब तक a की value less than 10 है तब तक तो ये loop सही है, और जैसे ही a की value 11 हो जाएगी तो loop stop हो जाएगा। And I am writing text window dot write line, क्या लिखना चाहिए मुझे, a, राइट, यानी a की वैल्यू क्या है अभी 2, तो पहली बार में क्या प्रिंट हो जाएगा, a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 2। अब हमें क्या करना है, a 2 के टेबल में क्या आता है, a यानी कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस 2, a इक्वल टू a प्लस 2, और हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ a प्लस 2, ठीक है, एंड इससे क्या होगा, a की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, सॉरी यहां पे क्या होना चाहिए, 2 का टेबल है तो ये 20 तक होना चाहिए, अदरवाइज 5 तक ही प्रिंट होगा, a इक्वल टू a प्लस 2 और a जो है लेस देन इक्वल टू 20। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, एंड वाइल कर देंगे। अब हम इसको प्रिंट चला के देखते हैं, क्लिक करेंगे रन पे तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 का टेबल प्रिंट हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो 20 के बाद 22 क्यों नहीं आया, क्योंकि
यहाँ पे ए की जो कंडीशन थी ए इज लेस देन इक्वल टू 20, वो 22 होने पे फॉल्स हो जा रही है क्योंकि हमने जो कंडीशन दिया है वो ए लेस देन 20 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, और जैसे उससे ज्यादा होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और रुक जाएगा। अगर हमें 3 का टेबल प्रिंट करना है तो हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे हम करेंगे a इक्वल टू 3 और a इज लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। और यहां पे हम क्या करना चाहेंगे, a प्लस हम इसको 3 कर देंगे, ठीक है, और हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, 30 तक प्रिंट हो रहा है। तो चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं जो आपकी बुक में है, एग्जांपल नंबर 4 कि वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ इट्स डिजिट। मतलब कि हम कोई भी नंबर इनपुट करें उसके डिजिट का सम आना चाहिए। जैसे अगर मैंने एंटर किया 31, तो 31 में दो डिजिट्स है 3 और 1, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 3 + 1 = 4। अगर मैंने कोई नंबर इनपुट किया 45, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4 + 9 = 5। तो हम लिखते हैं, चलिए मैं आपको बताते जा रहा हूं, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन एंटर एनी नंबर, और उसके साथ फिर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं नंबर इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर को एक दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर देंगे। जैसे मान लो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं सी, सी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, नंबर, ये जो नंबर वेरिएबल है हमने इसको कॉपी करके रख लिया, यानी कि सी में भी वही वैल्यू है जो नंबर की वैल्यू होगी। अब हम एक वेरिएबल ले रहे हैं सम इक्वल टू 0। अब हम लूप चला रहे हैं व्हाइल व्हाइल नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि नंबर जैसे मान लीजिए हमारा 45 है, तो हम ये लूप कब तक चलाएंगे, जब तक कि नंबर 0 ना हो जाए, 45 से 0 ना हो जाए। तो 45 से 0 हम कैसे पहुंचेंगे, या तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे या उसको डिवाइड करते जाएंगे, है ना, दो ही तरीका है जिससे हम नंबर को पीछे की तरफ ला सकते हैं। अब हम एक वेरिएबल ले रहे हैं r, यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू मैथ्स डॉट रिमाइंडर नंबर कॉमा 10। इसका मतलब ये हुआ कि r हमारा एक वेरिएबल है, उसमें हमें क्या मिलेगा, ये जो नंबर की वैल्यू होगी, जो नंबर में हमने डाला, जैसे 45 डाला, तो 45 को हम 10 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वो कहां चला जाएगा, r में। तो पहली बार जैसे मान लीजिए नंबर है 45 डिवाइडेड बाय 10, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस r कर देंगे, तो सम की वैल्यू क्या है, सॉरी सम है हमारा s, तो हम सम, हमने सम लिया है, सम इक्वल टू सम प्लस r, तो सम की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, तो पहली बार में सम में क्या आ जाएगा, 0 + 5, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब भी हमारा नंबर कितना है, 45 है, तो हम उसको और कम करेंगे, तो नंबर इक्वल टू मैथ्स डॉट फ्लोर नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो इससे क्या हो रहा है कि अब हमने नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया,
तो नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि नंबर हमारा कितना था 45, 45 डिवाइडेड बाय 10 तो हो जाएगा 4.5। अब हमने यहाँ पे लगा दिया है फ्लोर, तो फ्लोर क्या करेगा कि जो डेसिमल पार्ट होगा उसको छोड़ देगा, यानी कि 4.5 में से 0.5 को वो छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा, तो नंबर में क्या बच जाएगा 4। ठीक है, अब हम इसको लूप को बंद कर देते हैं, एंड व्हाइल कर देते हैं। अब हमारे जब यहाँ इस स्टेप पे आए तो नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब वापस यहाँ चलेंगे, व्हाइल 4, नंबर की वैल्यू है 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 0 तो कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे आएंगे मैथ डॉट रिमाइंडर नंबर 10, तो नंबर यानी अब नंबर की वैल्यू है 4, 4 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। सम की वैल्यू थी 5, तो 5 इक्वल टू 5 प्लस 4 तो सम की वैल्यू हो जाएगी कितनी 9। और फिर मैथ डॉट फ्लोर नंबर डिवाइडेड बाय 10, यानी कि हो जाएगा नंबर की वैल्यू है 4, 4 को डिवाइड करेंगे 10 से तो वो हो जाएगा 0.4, तो फ्लोर 0.4 को इग्नोर कर देगा, नंबर हो जाएगा 0। अब हमें सम मिल गया, अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन सम इज इक्वल टू प्लस सम। अब हम इसको रन करा देते हैं, तब ये बोल रहा है एंटर अ नंबर, नंबर मैंने दिया 45 तो सम आ गया 9, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। फिर से हम एक और दूसरे नंबर को डाल के देखते हैं, जैसे मैंने दिया 31 तो आना चाहिए 4 तो सम इज 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब एक टॉपिक बचा है वो है ग्राफिक्स विंडो, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज। आज हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे इस पे, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भेज रहा हूँ, आप पहले वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।